14वीं सदी के अंत तक तैमूर ने मध्य एशिया के साथ ईरान के भी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी नजर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर थी। भारत पर हमला करने के लिए उसने बहाना दिया कि दिल्ली का सुल्तान महमूद शाह तुगलक अपनी हिंदू प्रजा के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर रहा है। फिर सन 1398 की गर्मियों में वो अपनी फौज के साथ भारत की तरफ चल पड़ा। 30 सितंबर 1398 को उसने सिंधु नदी पार की और पंजाब में भारी नरसंहार किया। दिल्ली पहुंचने तक उसके पास 100,000 हिंदू कैदी जमा हो गए, जिनको उसने दिल्ली पहुंचकर जान से मार दिया। दिसंबर के महीने तक तैमूर दिल्ली के पास पहुंच गया था, जिसके बाद महमूद शाह तुगलक भी अपनी फौज लेकर उसके मुकाबले के लिए आ गया। 17 दिसंबर को दोनों फौजों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले ही तैमूर ने अपनी फौज के सामने गहरी खाई खुदवा दी थी, जिसके कारण दिल्ली की फौज तैमूरी फौज पर सीधा हमला नहीं कर सकती थी। दिल्ली की सेना में हाथी भी मौजूद थे, जिनसे तैमूरी फौज का बहुत नुकसान हुआ। तैमूर ने लकड़ी के गट्ठों में आग लगाकर ऊंटों पर रखवा दिया, जिनको देखकर हाथी डर गए और अपनी ही फौजों को कुचल दिया, जिसके बाद तैमूरी फौज दिल्ली की फौज पर हावी हो गई और तैमूर ये युद्ध जीत गया।